चलें जी, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। ज्वाइन करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। सर एक बात कह सकते हो जी सर, ये जो मीन मीडिया, खासकर सर ये जो मीन होता है ग्रुप डेटा में, ठीक है जी जी तो सर इसमें हम एक मिड पॉइंट निकालती है ना, और एक सर एफएम निकालती है, एफएक्स लिखती है उसको आखिर में। मीन मीडियन के ऊपर जब हम आएंगे ना, तब हम उसकी बात करेंगे। ठीक सर जी आप तो किधर आए, सर जी आप किधर आएंगे सर जी, वो तो चलिए मैं मुझे थोड़ा बहुत आता है, आप टाइम ही नहीं रहना। है, अभी आप जो है ना, अभी आ जाएंगे, फिक्र ना करें। प्रोबेबिलिटी के ऊपर ना, पहले प्रोबेबिलिटी को वाइंड अप करें, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। सर जी मैं जनरली पूछ रहा हूँ सर, वो टाइम खत्म हो गया क्योंकि सर वो मुझे आता है थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है मैं, आपने लेकिन ये जितने भी कह रहा हूँ सवाल टाइम है किए ना, सर। मैंने मीन मीडियन ग्रुप डेटा के जितने भी सवाल चेक किए इंस्टाग्राम, मुझे वो जो है ना, उसमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आई अभी तक। तो हम उसको जो है ना, अगर स्किप तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करके ना, उसमें हम आ जाएंगे। अभी फिलहाल ना, अभी हम मैं जो अपना जहन सैटरडे बना को के बैठ सर, अभी मैं जो अपना सैटरडे को ही जहन सर बना एक के दिन बचता है। अपना जहन बना के बैठा हूँ ना, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ये जो आपने सवाल मुझे भेजा था ना, वो मेरे सामने, उसका मैंने जवाब देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। ठीक है, वहां से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन सा सवाल जो आपने चेक आपने एक सवाल भेजा था मुझे ग्रुप पे, लिली समटाइम्स बायस न्यूज़पेपर ऑन द वे बैक टू वर्क, याद है? किया था? ये तो सर मैंने सॉल्व किया था ना। आपने मुझे कहा था कि ये सवाल जो है ना, क्या कहते हैं इसको, नहीं करना सॉल्व फिर। एक मिनट सर मैं चेक करता हूँ, कल आपको शायद भेजे। आपने मुझे भेजा था, कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें ये सवाल आप डिस्कस करें, इसको इसको सॉल्व करवा दें, फिर नेक्स्ट बाकी एक्सरसाइज वगैरह भी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सर जी ये इली वाला ना, लीली सॉरी हाँ, लिली वाला जो सॉल्व है, सवाल है। सर जी, ये मैंने आपको करके सेंड किया था सर, ये आपने कल चेक कर लिया ना, एक मिनट रुकिए जरा, यही वाला। आपने, मैंने तो मेरे ख्याल में चेक नहीं किया उसके इसको। नीचे चेक कर सर, आप चेक करें ना वो तस्वीर सर जो आपने लिखा हुआ, रेस्ट ओके जस्ट ड्रॉ ट्री डायग्राम, ये वही वाला क्वेश्चन है सर। तो ये फिर आपने किस लिए अलग से सेंड किया स्पेसिफिकली? सर ये ये मैंने करवाना नहीं, क्योंकि अच्छा सर करवाना, इसके, अच्छा इसको करवाना नहीं है, यानी कि आप ये कह रहे हैं। ठीक हाँ सर जी ये है मैंने फिर, आपको बेसिकली सर किया ना क्वेश्चन सर, उसकी डिटेल सेंड की है भाई, आपको चेक करने में आसानी हो। बहरहाल मुझे तो ये लगा कि आपने ये स्पेसिफिकली सवाल भेजा है इस, अच्छा इसका क्या, आपने क्या आंसर लिखा था जरा बताएं, क्या इसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी कैसे निकली, ट्री डायग्राम इसका? सर जी ये बेसिक मतलब सर ये विदाउट रिप्लेसमेंट था, ठीक है क्वेश्चन, तो सर ये इधर लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट इली विल बाय अ न्यूज़पेपर ऑन मंडे मॉर्निंग इज 0.7, ठीक है, तो सर मैंने इसको सर 10/7 लिख दिया था फ्रैक्शन में, और नीचे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट इली विल बाय अ सेवन बाय टेन न्यूज़पेपर ऑन होगा ना, ट्यूजडे मॉर्निंग। सेवन बाय सेवन अपॉन टेन होगा, सेवन बाय टेन लिखा होगा 7/10 ही सर। हाँ ना। अच्छा, ट्री डायग्राम इसका। अच्छा दूसरा ये कि जो सर ट्री जी डायग्राम आप बना रहे हैं ना, तो वो
मैंने आपको कई दफा मल्टीपल टाइम्स कहा है, वो आप उस तरीके से क्यों बनाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े हैपहजर्ड, अपनी जगह से हटे, कोई भी किताब उठा के देखें और वो अब ठीक नहीं कर हो रही आपकी वो बात। हम इस तरीके से बनाते हैं जो आपकी आउटकम आ रही है इसमें, क्या कहते हैं, जैसे आप कर लें बाय नॉट बाय, फिर अगले वाले सेकंड जो आपके पास आ रहा है ना, जैसे एक दिन है फिर अगला दिन है, तो ये आपके पास बाय नॉट बाय, मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ कनेक्टेड इस तरह से मिलता है, वो इस तरह से आप बना। किधर? जी सर, ये अच्छा, मैं आप सही नहीं बना जो रहा। बना रहे हैं ना, वो ऐसे बना लिया, फिर इस तरह बना लिया, फिर ऐसे बना लिया, मतलब ये है कि वाई ये सही क्यों नहीं हो रहा आपका? सर क्योंकि मुझे सर आइडिया नहीं है सर इसको बनाने का सर। नहीं, आइडिया अब तक हो जाना चाहिए। मैंने कई ट्री डायग्राम, पूरी ट्री डायग्राम की एक्टिविटी आपको करवा दी थी, आप उसको मैंने सही करने की कोशिश की है आपको ना, आप अपनी उस बात से चेंज ही नहीं हो रहे, मतलब जो अपने जहन में बैठी हुई है ना बात इस तरह ड्रॉ करने की, उस वो आप चेंज अच्छा नहीं हो रहे। सर जी, चले समझ लेते हैं सर अभी, ठीक है। बेसिकली सर ये जो सेकंड सेकंड जो पिक है ना, वो ऊपर आएगी उसके नीचे, वो कौन सी थर्ड पिक होती है बेसिकली सर, वो नीचे नहीं वाली? देखें, फर्स्ट पिक और पिक के अलावा ना, जैसे अभी अभी जो सवाल था लिली वाला, उसमें दिन थे मंडे और ट्यूसडे, जी तो चलें अब पिक समझ लें कि आप एक थैले से कोई उठाते हैं, निकालते हैं चीज, उसमें से बी निकलता है या एन निकलता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पिक हो गई आपकी, फर्स्ट पिक, और ये सेकंड पिक हो गई, ठीक है। अब ये सेकंड पिक है ना, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसकी जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे आ रही है, बी के साथ आ रही है, यानी कि सही है। आप बी निकला, फिर बी निकलने के बाद या तो बी निकलेगा निकल रहा है या एन निकल रहा है, उसकी जगह लोकेशन होती है बकायदा, ये जो नोक है ना इसकी, ये यहाँ आएगी, जी दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन है उसकी नोक एन के साथ आएगी, ये ज़रूरी है। आप ये जो ड्रॉ कर ठीक रहे है हैं ना, सर, जी ये सर, मतलब ये आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये टुकड़ों में नहीं ड्रॉ करना, ये जो है ये इसके साथ जी कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है सर, वो यहाँ पे। सवाल गलत हो जाएगा सर अगर मैं जिस तरह ड्रॉ करता हूँ। यार ट्री डायग्राम अगर उन्होंने कहा है ना, तो गलत तरीके से ट्री डायग्राम बनाने पे तो जाहिर बात है कि वो गलत ही कहेंगे इसको, ये भी सर ठीक गलती है सर, है, मैंने इस मतलब चीज ये एक जी प्रॉपर गलती है, दिस इज अ प्रॉपर मिस्टेक कि आप इधर उधर करके बना रहे हैं इसको, एक तरतीब है ना इसकी ट्री डायग्राम की। सर जी, मुझे सर आइडिया नहीं था सर, सच्ची बात है, अभी मुझे पता चला कि इसको प्रॉपर तरीके से करना मैंने तो है आपको ये बात कई 2-3 दफा कहने की कोशिश की है, एटलीस्ट पता नहीं आपने रजिस्टर नहीं किया उसको, मैंने 2-3 दफा बताने की सर वो, कोशिश लेकिन की, मुझे सर आइडिया नहीं था सर इस तरह बनेगा वो बात ठीक है, आइडिया नहीं था, अभी तो आइडिया हो जाए ना इसका, अब के बाद से फिर आप सर। इसको तरीके से बनाएं, ये एक मेरी नज़र में मिस्टेक है, कोई भी एग्जामिनर देखेगा तो उसको मिस्टेक ही समझेगा। सही है अच्छा सर, जी, सर फिर सर वो गलत हो जाता है सर, मेरी लाइनें नीचे चली जाती है, वो सही है फिर सर? ये जो जैसे ड्रॉ किया है ना आपके सर इस तरह ही सर सामने, मेरा हो रहा सर। जो ऐसे ड्रॉ किया ना मैंने साइड पे, ये सामने देखें, ये एक स्टैंडर्ड सही तरीका है ये वाला, ठीक है, हाँ ये तो वाला, इसको फॉलो ठीक करने की कोशिश करें, सिंपल सी बात है, दूसरे वाले जितने भी तरीके हैं वो सब गलत होंगे इसके। तो सही है सर। बाकी सर आज आपने पेपर चेक किया सर, क्या इंप्रेशन है सर? पेपर का यार सिर्फ और सिर्फ आपकी बचत हो रही है वो ग्रुप डेटा वाले पोर्शन की, जैसे हिस्टोग्राम की वजह से, और उससे और हिस्टोग्राम के अंदर भी मैंने पता नहीं, हाँ हिस्टोग्राम में जो उसका है ना, वो आप उसको जो उसकी इंटरवल की अपर लिमिट है ना, अपर बाउंड है, जो अपर जी बाउंड है वो आप लिखते हैं वहाँ पे, वो आपने जो है ना एक तो ये के उसके ऊपर उस साइड, मतलब मैंने उसमें मार्क किया हुआ है, जैसे आपके पास है ना अपर बाउंड सर क्या होता है? यार जो क्लास की अपर रेंज है ना, जिस इंटरवल के अंदर वो लाइक कर रहा है, 0 is less than x is less than 1, तो ये जो 1 है ना, ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसके बाद आगे वाला जो है, जैसे मैं अगला कहता हूँ 2 is less than x is less than, आगे समझ लें जी 10, तो ये आपका जो है ना, ये आपका यहाँ पे आएगा, क्या कहते हैं, सॉरी 1 से हमने शुरू किया, 2 नहीं, 1 से शुरू किया ना, तो 1 से लेके आगे ये 10 तक जाएगा ना, चौड़ा भी होगा इस तरह से, ये पूरा पोर्शन इसमें आ जाएगा, तो अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं टेन कि मैं लिखा हुआ है लाइनें ना, नहीं टेन मैं जोड़ता। सिर्फ इतना कह रहा जी हूँ, ये जो 10 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इधर लिखना है आपने इसको, ये 1 इधर लिखना है, ये यहाँ पे नहीं 10 आपने लिखना, ठीक है, ये कोई और आप, अच्छा, हाँ यहाँ पे, लाइन के ऊपर लिखना है सर, दरमियान वाली हाँ, लाइन के ऊपर और आप ये कह रहे हैं। आपकी मिस्टेक ग्राफ्स के अंदर भी मैंने देखी है कि ये आपने जैसे है ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, आपने बगैर किसी लाइन लगाए ना
वो जो उसकी अपनी लाइन है वहां पे लिखा होता है 1 2 3, अब पता ही नहीं चल रहा होता कि है किस जगह पे 1, किस जगह पे 2 है, किस जगह सर थ्री। जी नहीं, अब मैं लाइन तो लगाता हूँ सर, आप क्या रहे हैं, वो लाइन के ऊपर लिखू है ना, लाइन हाँ जो नीचे है, बनी लाइन के होती है। नीचे, एग्जैक्टली नीचे है उसके। एक मिनट सर, मैं ये जो लाइन है सर, अगर आपको इधर नजर आई या ना आए, ये जो लाइन होती है ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा होगा शायद जी आपको, थोड़ा बहुत आ रहा है कुछ ना कुछ। ये लाइन सर आप क्या रही है ना सर, ये जो हाँ इसकी ऑलरेडी होती है इसके साथ इसके लिखें, ऊपर ही लिखो या इसके साथ ही, इसके साथ ऊपर ना नीचे जैसे लाइन मैंने मैंने जैसे लिखा हुआ है, मैंने ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है, मैंने नीचे ही लिखा हुआ है ना, ये लिखना जरूरी है। दूसरा ये कि हिस्टोग्राम के अंदर जो उसके आपका जो बार है ना, उसके नीचे आपने सेंटर में लिखा हो तो सेंटर में ना लिखें उसको, उसके नीचे लिखें। अच्छा क्या सर, ये क्या सर आप बेसिक सी कह रहे चीजें, ये क्या वो चीजें जिस पे सर, खामा खा आपके नंबर काट लेंगे, वो नंबर फिर कम आएंगे आपके, या हो सकता है मतलब ये कि उसकी वजह से मसला बन जाए, फेल होने का कोई हिसाब किताब बन जाए नहीं फिर। सर, सर नहीं सर, मुझे तो सर नहीं पता सर, आप बता रहे हैं ना इंशाल्लाह सर, मैं गौर करूंगा सर, लेकिन सर आप अभी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में और क्या मसले है। नहीं, और मसला नहीं है, और नहीं नजर आया, मैंने सारा इसको थॉरली चेक किया है, और बाकी ठीक है। ये बाकी तो आपका सर स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ये जी आप कर सकते हैं। अच्छा अभी आप आ जाएं, अपनी हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी, सर, परम्यूटेशन वैसे कॉम्बिनेशन। आज 43 सर एक्चुअली आए हैं ना नंबर। यार आपके एक्चुअल नंबर आए हैं, मैंने थोड़ी सी हार्ड मार्किंग भी की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस पे सेलिब्रेट करके खुश हो जाए। खुश आप तब हो जब आपका जो है ना रिजल्ट आ जाए और आप पास हो जाए, तब, उससे पहले आपको खुश होने का कोई हक हासिल नहीं है। सर लेकिन मेरे लिए सर बड़ी बात है सर, एक नंबर बड़ी ही बहुत बात तब बड़ी बात है होगी, बड़ी बात तब होगी जब आप इम्तिहान क्लियर कर लेंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा तब, उससे पहले नहीं। इंशाल्लाह सर। सर इंशाल्लाह लेकिन आएगा वो तो। देखे सर, एक किरण तो होती है सर थोड़ी बहुत, देखे अभी मैंने दो पेपर दिया उसमें फेल हुआ था, लेकिन ये चले पास तो हुआ ना एक चले। अच्छा आपके, आप TEEMC में जा रहे हैं जो उधर H11 में है? नहीं सर मैं बैरियर फेस 7 वाली। अच्छा। अभी हमने तीसरा सवाल करना था ना, अ सर्कस हैज 8 एक्रोबैट्स इन हाउ मेनी और रूम्स। सर अभी सर थोड़ी देर पहले एक और आपको पेपर करके सेंड किया सर, वो कल आप क्या कर लीजिएगा किसी भी टाइम, ठीक अच्छा ठीक है, वो मैंने नोट कर लिया था। है अच्छा सवाल नंबर 3 हमने शुरू कराना था आज। एक्रोबैट आपके पास कितने? 8 हैं एक्रोबैट्स, ठीक बैठ सर, है ये क्वेश्चन नंबर 3 है परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला। जी। और इसमें जो है ना क्या कहते हैं, इन हाउ मेनी वेज मे दीज 8 पीपल फॉर्म अ सर्कल फॉर द डिस्टेंस फाइनल ऑफ द सर्कस, फाइनल ऑफ द सर्कल सर्कस। अब ये जो है ना, इसमें मैंने बताया ना सर्कल वाले के अंदर जो है आपका वो लगता है परमुटेशन का, जो हमने सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला बनाया था ना, अ ये नंबर ऑफ सर्कल हैज वेज 8 ऑर्बिट्स, इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, या यह है 8-1 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा कैलकुलेटर पे बताएं जरा। ये सिंपल सर्कल वाले ये 720 नहीं हो जाएगा। 120, 120 होता है ना, उसको छः अच्छा सर रुपीज सॉरी, 5040, 5040 रुपीज, कहाँ से आ जाते हैं बीच में यार। सॉरी सर मतलब हमारे रुपीज ना, एक पाकिस्तान। मिनट यार, सर ये आपने 7 का सर क्या लिया, इसको फैक्टोरियल सर क्यों लिया सर, लिखा तो 8 नहीं है नंबर। मिनट यार, ये जो है मैं कैलकुलेट कर लूँ 7 फैक्टोरियल कितना आता है। फाइव जीरो फोर जीरो जी सर यही है, तो सर लिखा हुआ इधर 8 है सर, तो हमने 7 का क्यूब लिया सर, तो रही है फॉर्मूले में 7, वो 8 आता है, 8-1 आता है, n-1। हाँ n-1, तो अच्छा हमने n-1  8 में से 1 माइनस कर दिए। जी फॉर्मूला ये सर्कुलर सर्कल में, जब आप 8 चीजों को सर्कल में अरेंज करेंगे ना, तो नंबर ऑफ डिफरेंट सर्कल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज ऑलवेज n-1 फैक्टोरियल। अच्छा ये फॉर्मूला सर्कल का जब लिखा है, सही सर्कल में अगर अरेंज करते हैं इनको, है। ठीक है तो ये तो सर अच्छा सर्कल है, ठीक है सर्कस भी लिखा है सर्कल। सर्कस हैज 8 एक्रोबैट्स, इन हाउ मेनी वेज दीज 8 पीपल फॉर्म अ सर्कल
ठीक है, सर्कल बनाना आगे लिखा हुआ है ना इसका, जी इन हाउ मैनी, इन आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या, हाउ मैनी परमिटेशंस आर देयर फॉर द लेटर वर्ड ग्रेट, ये ग्रेट आपका सवाल नंबर 4 है। जी, इसमें चेक क्या करना है, कितने सेम लव्ज है इसके अंदर। वो ये कह रहा है कि हाउ मैनी परमिटेशंस आर देयर ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ग्रेट, ठीक है, इसके कितनी परमुटेशंस बन सकती हैं। तो यहां पर जो है एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, पांच ठीक है, तो इसके जो है आपने ये सारे के सारे एक साथ लेने, तो इसलिए आर भी 5 है। हेयर एन इज इक्वल टू 5 और आर इज इक्वल टू 5। ये एन क्या चीज है, नंबर कौन सा वाला, एन जो है ना ये नंबर ऑफ एन। 1 2 3 4 5, जितने ये ग्रेड में करेक्टर्स है ना उतने वो एन है आपका, ठीक जितने है। तो करेक्टर है, और आर सर की है आर। और हमने एक वक्त में सेलेक्ट किया उन पांचों में से, एक वक्त में पांचों सेलेक्ट किए हैं। सही है, एन भी सर बेसिकली नंबर है, सारे नंबर वो एल एन है। एन जो है ना 5 है, 5 आपके पास करेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं इसमें, ठीक है, जी और आर आपके पास 5 है, ये आपने सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, एक मिनट यार, ये जो है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, देखने कैलकुलेटर पे 120 आता। वेट सेकंड सर, ये आता है 120, 120। तो एक 120 डिफरेंट जो है ना परम्यूटेशन आप उसके बना सकते हैं। जी सर सही। ये इसका जवाब हो गया 4th का। आप 5th जी के जवाब पे आ बस जाएं, सात सात सिंपल से इसका जवाब है। बस यही है इसका जवाब। हाउ मैनी परमिटेशंस आर देयर इन द वर्ड ग्रीट, ग्रीट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नंबर फाइव, एन आपके हाउ पास है, मैनी एन आपके मिनी पास है परमिटेशन आर देयर 1 2 3 4 5, फॉर, एन इसके 5 है, ठीक है, ये इसके भी अंदर आपके फाइव है। पास जो है ये पहले वाले ऑल डिस्टिंक्ट थे ना, अब आपके पास ई जो है वो रिपीट हो रहा है, तो N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 2, ये G हो गया और ये R हो गया, P हो गया, N1 N2 इज इक्वल टू 1, N2 ऑल्सो 1 है, ठीक है, N2 भी 1 है, N3 भी 1 है, और इसके अलावा N4 आपका जो है वो E है, ये आपके पास इतने 2 हैं, ठीक है। इस तरह के केस में फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ एन जी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1, एक मिनट यार, नंबर साइड ऑफ पे लिख रहा हूँ, इस जगह पे ना लिखा नहीं जा रहा, इधर साइड पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सर, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पता नहीं। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लिखा है ये मैंने, डिस्टिंक्ट। सही है, दिस जी अच्छा, N1 जी फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, 1 2 3 तीन ही है ना, तो ये आ जाएगा आपके जी पास 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, और ये बन जाएंगे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 5 का फैक्टोरियल के अंदर 2 से डिवाइड कर दें, 60 इज इक्वल फाइव टू, का फैक्टोरियल टू से डिवाइड कर, 5 का फैक्टोरियल 2 से इसे डिवाइड करो, क्योंकि ई 2 दो दफा है। जी 60 है ना, या आप इसको 5 के फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड, ई 2 दफा आया ना, इसलिए आपके पास N4 में ना, एक मिनट, 1 2 3 4 थे ना यार, 4 N4 भी है इसके अंदर, N4,
तो N4 के इसके बाकी सारे 1-1 थे, तो वो तो 1-1 के खत्म हो गए। एक N4 आपके पास 2 था, 2 फैक्टोरियल जो 2 होता है, तो 5 फैक्टोरियल को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 120 को 2 60 से, आएगा सर, 60 60 आ जाएगा, 60। तो सही है सर। रिपीटिंग केस में हम ये थोड़ी सी ना बीच में ये डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। जी सर, अब जो है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अब हमारा छठा सवाल स्टार्ट। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आर देयर ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आर देयर ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स? सवाल नंबर 6 है ये। स्टैटिस्टिक्स क्या है? सर स्टैटिस्टिक्स, स्टिक्स सर, स्टैटिस्टिक्स तो वो हमारा एक टॉपिक है ना, वही वाला हिस्टोग्राफ, वो ये तो पूरा सब्जेक्ट है यार, मैथमेटिक्स है ना इसका, मैथमेटिक्स से साथ में स्टैटिस्टिक्स भी अलग से एक फील्ड है पूरी, लोग एमएस करते हैं, बीएससी टॉपिक करते हैं। है, ये पूरा सब्जेक्ट है बेसिकली। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से सब्जेक्ट आपको आगे पढ़ने को मिलते हैं इंजीनियरिंग में भी और उसमें ए लेवल वगैरह में भी है। सर ये अच्छा सब्जेक्ट है सर जी, ये पढ़ना चाहता हूँ सर, ये इसमें कैसे कैसे पढ़ूँ मैं आप सर? अच्छे हैं यार, आप यही तो आपकी स्ट्रेंथ है, ये ग्रुप डेटा इसी में आती है, सर मीडियन ये मोड को ऑफ ये इसमें स्टॉक। डिग्री कर सकते हैं बंदा, डिग्री? स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स में आप बैचलर्स कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं मास्टर्स भी कर सकते हैं आगे, 4 साल का बैचलर्स होता है आजकल। अच्छा, कोई बिजनेस की डिग्री में भी आता होगा स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आता है इसमें, और स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो उसकी एडवांस शक्ल, अब ये डेटा साइंस निकाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रही है। सही है, लेकिन सर ऐप बहुत मुश्किल भी है सर, अगर मैं ग्रुप डेटा में चला जाऊं तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका दबाव उसी में तो चलता है सिर्फ, पूरे मैथमेटिक्स में जो मैंने देखा है, बाकी इंटीग्रेशन में तो सर बिल्कुल नहीं चलता। नहीं तो सर इंटीग्रेशन के भी सर एक दो सही थे ना सर वो मेरे किए ख्याल थे लेकिन आपका मैंने देखा है ना जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके ठीक है बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ी और सर साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सर थोड़ी बहुत बेहतर है बहुत है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा है, लेकिन जो है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो बहुत ही बुरा हाल है, इंजीनियरिंग सारी हाँ अब वेस्ट सर होती है उस पर। अभी पता नहीं थोड़ी सी वो तो इम्प्रूवमेंट तो आई है, लेकिन अभी भी वो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। पता नहीं, जी अब ये सर, जहनी और ये रुझान की बात भी होती है कि इंटरेस्ट होता है या कुदरती तौर पे ना बंदे का जहन जिस तरह बना होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने देखो पेपर में, हर तरह की फील्ड रखी हुई है, तो उससे जी आपको जो है ना एक वो मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है मुझे आगे किस डायरेक्शन में जाना है। अब यही तो बात है ना, अब ये जी आपके इंटर सिस्टम है पाकिस्तान में नहीं होता है ना इस तरह से, बच्चों को पता ही नहीं जी चलता सर FSC में किस में वो तेज है किस में नहीं है, चॉइस में कई सवाल छोड़ देते हैं वो। किस में क्या मतलब सर, मतलब वो किस सब्जेक्ट में अच्छे? हाँ इंटर में ना जो सब्जेक्ट होते हैं उसके किस, क्योंकि आगे ये सब्जेक्ट बन जाते हैं, चैप्टर्स होते हैं ना ये आगे पूरे पूरे सब्जेक्ट बन जाते हैं। अच्छा, हाँ सही। अच्छा, अब आपके पास जो है ना ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, एन आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, दोबारा गिने इसको। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन, परमुटेशन को गिनना ना या स्टैटिस्टिक्स को? अच्छा स्टैटिस्टिक्स को गिने, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स सॉरी, के वर्ड को गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है सर, 10। इसमें कितने एस आ रहे हैं? N1 3 है, दो मैंने सर ऐसे ही एस देखा आ है। रहे हैं, 3 T आ रहे हैं और 3 S आ N2 रहे जो है हैं, वो आपका T है, T कितने? सही है। 3 है। N3 A है, एक आ रहा है, N4 जो है वो I है, आई 2 आ रहे हैं, आई 2 हो गए, इसके अलावा एस, सी एस एस 3 तो हो सर चुके 3 आ हैं, रहे हैं, सी जो है सी, एक आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा अब इसकी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस बनेंगी इस तरीके से, नंबर ऑफ, आप बताएं किस तरह से होगा। नंबर ऑफ स्ट्रिंग सर जी ये हम n 10 लिखेंगे, ठीक है इधर N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको पहले लिखेंगे डिवाइड, फॉर्मूले को, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल, N3 का फैक्टोरियल, N4 का फैक्टोरियल, N5 का फैक्टोरियल।
ठीक है, तो यानी सर कि ये आपको, आंसरों का फैक्टोरियल निकालेंगे नीचे हाँ अब आपका आ जाएगा थ्री का जो जो आपने लिखी फैक्टोरियल, थी। थ्री का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल। तो यानी कि आपके पास हो जाएगा थ्री का फैक्टोरियल होता है 6, और 6 36, और 2 से करते हैं 72, तो नीचे 72 आ जाएगा। 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे देखें कितना आता है। 10 का फैक्टोरियल सर आता है, 10 का फैक्टोरियल आता है सर, ये बड़ा आ रहा है सर, क्या थ्री सिक्स टू डबल एट डबल कहते जीरो 3 6 2 8 8 00 हैं ये यही है, ये कितने बन जाती है, 3,62,000। एक मिनट यार, यहाँ पर सर जी, एक मिनट यार, ये मैं टाइप कर लूँ जरा। नजर आया आपको ये लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज बड़ा किया मैं, ये जी बनता है। सर, इसको डिवाइड एक कर मिनट ये दें साइड, अच्छा इसको डिवाइड कर दूं 72 से। अच्छा तो ये आंसर बन जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस। 72 वो नीचे आपने मल्टीप्लाई किए है सारे, वो जो थे फैक्टोरियल, हाँ जी, 3 हो गया, 6 हो गया, पहले उनके फैक्टोरियल निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 6 × 6 × 2 72 जी बनता है। सर, बताएं क्या आता है। सर यही आता है सर, 504, 5,400। 5000 5,04,00, ठीक है, फाइव जी सर, यस जीरो फोर डबल जीरो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर था। अब आप आ जाएं, अब ये स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेनी आपने इसकी, क्यों सर, नहीं ले रहे। ले रहे हो सर जी? नहीं मैं समझा आप कह रही है कि नहीं लेनी। नहीं, मैं ये क्या, मुझे लगा कि नहीं ले रहे साथ। अच्छा बहरहाल आपकी मर्जी है, देख लें इसको अपने हिसाब से। अगला नहीं जो है सर सवाल जी, आपका है नहीं नहीं सर, ना, पहले मैंने लेके सर डाली है जो आपने पहले करवाए एक दो। अच्छा, अब ये जो है ना आपका छठा सवाल है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आर देयर ऑफ द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, ये 6 6 था ना। सेवंथ आपका जो है वो है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स बिगिन एंड एंड विद द लेटर एस। ठीक है जी, अब आप इसमें क्या करेंगे, सातवां सवाल अब हम कर रहे हैं। ये है स्टैटिस्टिक्स, जरा स्पेलिंग एक बार चेक कर लें इसके, स्टे एस टिक्स, सिक्स ठीक है। वो कहते हैं कि बिगिन एंड एंड विद एस, ठीक है। अब आपका जो एन होगा ना जी वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एन 8 हो गया, ठीक है। इसमें से रिपीटिंग जो है आपके पास N1T 3 दफा आ रहा है, फिर इसमें से N2 जो है वो ए 1 दफा आ रहा है। अच्छा, आपने एस के अलावा 8 नंबर गिने हैं। हाँ, N3 आपका जो है, T तो हो गया, आई 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 जो है ना, आई आई कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। पहले जी हमने आई 2 दफा काउंट किया था कि नहीं, पिछले पार्ट में। आई के बाद एस आ रहा है, सर, एस 1 दफा आ रहा है, आई एस सर 2 दफा काउंट किया था जिसको N4 लिखा बस है। ठीक है, एस 1 दफा आ रहा है, इसके बाद आई हो चुका है, सी आपका 1 दफा आ रहा है, एस 2 दफा आ रहा 1 2 3 4 5, टी भी हो गया, ए भी हो गया, आई भी हो गया, एस भी हो गया, टी आई हो चुका था, सी हो गया। अब आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विद एस आएंगी, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद एस आर, ये आपके पास हो जाएगी, पहले तो एन फैक्टोरियल, फिर नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल,
वन का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल। एन वन का फैक्टोरियल, एन टू का फैक्टोरियल, एन थ्री का फैक्टोरियल, एन फोर का फैक्टोरियल, एन फाइव का फैक्टोरियल, ये बनती है सूरत हाल। ये सर जी, यानी ये 8 का भी फैक्टोरियल नीचे लेना है। हाँ, एट का फैक्टोरियल नीचे आपका थ्री का फैक्टोरियल है, थ्री और वन वन वगैरह तो वन ही है, टू थ्री टू सिक्स, नीचे 12 से डिवाइड कर दें इसको, थ्री थ्री का फैक्टोरियल 6 बनेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 12 बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड कर दें, यानी कि आप कैलकुलेटर पे देखें अगर 8 का फैक्टोरियल होता है 40320। जी 12 सरका से है। 40320 नीचे 12 आया है, उससे आपका 10 मिनट में आपकी लाइन काट जाएगी। वो आपका जो 3 का फैक्टोरियल था उसको 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। सही है सर जी। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया ये इसका फाइनली, डिवाइड कर दें 40320 को 12 से, 4000 सर, 320। 40320 को 12 से डिवाइड भी करना है ना। अच्छा जी सर, मैं करता हूँ डिवाइड 12 से करने। ये आंसर आ गया सर, ये क्या कहते हैं, ये 3360, 3060 रुपीज। 3360 यस रुपीस कहाँ से बन गए यार वो। सर, वो अब हम कहते रहते हैं सर डेली, तो सर वो दिमाग में बैठी हुई है नहीं तो चीज। आप करते क्या है वैसे, कोई बिजनेस वगैरह करते हैं इस सर बिजनेस? मैं सर जी अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ सर, आजकल तो खाली इसकी तैयारी मैथ्स की करता हूँ। पहले क्या काम करते हैं? मैं वैसे तो सर स्टूडेंट ही हूँ सर, आपको पता है ना सर, वालिद साहब कहते हैं जब तक डिग्री नहीं लोगे तब तक मैं कुछ हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी चीज को। अच्छा, तो क्या था रुपए बेसिकली वगैरह का, आपकी मतलब? रुपए का जो कह रहे हैं जो आदत पड़ी हुई है आपको, वो उसकी मैं वजह से पूछ रहा था, वो क्यों हुआ इससे कह रहे हैं इस? सर जी चीजें शीजें नहीं सर, बात नहीं, नहीं सर मैं कह रहा हूँ डेली सर हमारा, क्योंकि रोजमर्रा आपका भी सर फर्ज करे बाहर कहीं जाते हैं चीज लेने, क्योंकि पाकिस्तान में हम रुपीज चलती है ना, इस वजह से। अच्छा, बिजनेस मेरे स्टूडेंट तो सर मैं वैसे हूँ ना सर, आपको पता है बिजनेस पढ़ते हुए सर, क्योंकि हर चीज सर हमें असाइनमेंट वगैरह भी लिखता रहता हूँ सर आगे पीछे सर, उसमें पैसों की बात होती है, बिजनेस में बात ही है। चले, अच्छा ठीक है, मैं समझा कोई आपने कोई शॉप वॉप भी खोल के रखी हुई है, इसलिए वैसे ही पूछ रहा था, शौकिया नहीं सर, पूछ बस रहा आपकी दुआ चाहिए सर। था। बिल्कुल जी, दुआ हमारी है। अच्छा, हमने कौन सा सवाल अभी सॉल्व किया, सातवां की है छठा की है? इस सातवां की है सर। अच्छा, आठवां, यानी के अ स्कूल सॉकर टीम प्लेज 10 गेम्स ड्यूरिंग द सीजन, इन हाउ मेनी वेज कैन इट एंड द सीजन विद 5 विन्स 4 लॉसेस एंड 1 टाई। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो मैंने सोच विचार भी की थी, कल की थी, लेकिन अभी इस वक्त जो है ना देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी मुझे जी जो है ना एकदम से शदीद नींद का हमला हो गया मेरे ऊपर, सर्दियाँ आई है ना, तो थोड़ा सा रूटीन भी सर, मेरा वो हो गया है। अच्छा, ये क्या कहता है जी कि इन अ सॉकर टीम प्लेयर्स जो है, सॉकर टीम के जो प्लेयर्स हैं वो 10 गेम्स ड्यूरिंग द सीजन खेलते हैं, ठीक है, इन हाउ मैनी वेज जी सर, कैन और इट स्कूल एंड सोकर द सीजन विथ 5 विंस 4 लॉसेस एंड 1 टाई। तो ये आपका जो है ना, स्कूल सॉकर टीम प्लेस 10 गेम्स ड्यूरिंग द सीजन, इन हाउ मेनी वेज कैन इट एंड द सीजन विद 5 टाइम्स 5 विंस 4 लॉसेस एंड 1 टाई। जी सर अब इसको हम इस तरह से समझ आई सॉल्व तो है थोड़ी बहुत जी करने की कोशिश करें, आपके पास सर। ये सर वो लिखा हुआ है कि 10 गेम्स है ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन इन मेनी वेज कैन इट एंड द सीजन विद 5 विंस 4 लॉसेस एंड 1 टाई। सर 10 गेमों में से सर 5 दफा वो जीते, 4 दफा हारे, 1 दफा सर टाई हुआ मैच। तो सर क्या कहते हैं सर, ये परमिटेशन का सर लगेगा इधर वो जो है ना, क्या कहते हैं, परम्यूटेशन का सर, क्योंकि लगेगा, और सीक्वेंस चल परम्यूटेशन रहा है इसमें।
परम्यूटेशन का भी लगेगा, और दूसरा ये कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो है ना वो बन जाती है 10 फैक्टोरियल ऑफ वन काइंड जो है ना, यानी एन आप कर लें 10 ऑफ 1 काइंड विंस, एक तरह की हो गई, और दूसरी के टाइज कौन सी है आपकी, सर टाई एक है तो N3 कर लें, इसके आगे लिख दें टाई, और विंस 5 है, और जी लॉसेस, सर, लॉस कितनी है लॉसेस इसकी, फोर, 4 है सर। तो नंबर ऑफ वेज जो ये हो सकता है वो आपका बनेगा कि इन हाउ मेनी वेज कैन इट एंड द सीजन, नंबर ऑफ वेज इट कैन टीम कैन एंड द सीजन इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, एन आपका 10 है, डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, तो ये जी बन सर, जाएगा आपके पास आंसर, क्या निकलता है इसका, अच्छा इसका सर ठीक, 1 मिनट सर, 10 का फैक्टोरियल सर ये हमने किया तो था, ये सर 3 6 2 8 8 0 00 आखिर में। अच्छा मुझे सर समझ आ गई है, हमने इन तीनों को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 का फैक्टोरियल लेके फिर डिवाइड कर देना है। जी। 10 का फैक्टोरियल आपके पास होता सर वही है सर, 3 6 बोलिए ना, 2 8 8 00। एक मिनट इसको मैं जरा टाइप कर लूँ यहाँ पे, मिनट यार, ये जो है ना, ओके सर, ठीक है जी, आ गया। अब जो है इसको डिवाइड कर लें अपना, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 48 होता है, 24 होता है, 4 का फैक्टोरियल सर जी, ये सर जी 24 24 होता है, 5 का फैक्टोरियल 24 तो सर 120 है, सही है, है। लाइन ना किसी वक्त भी कट जाएगी, इनके 10 40 मिनट हो गए हैं इसके, इनको सर आपस में ऐड कर दूं ना? ऐड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर से वाले से डिवाइड करेंगे, 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और 4 का फैक्टोरियल होता है सर 24, 1 का कितना होता है सर? वन का वन वन होता है, वन देखे ना, वन से वन तक जाता है ना फैक्टोरियल, और 0 का भी 1 होता अच्छा सर, है, तो ये आपने 120 और सर 24 से डिवाइड करना है इस पूरे नंबर को, इससे आपका आंसर निकलेगा जल्दी से, बताए लाइन कट रही है, सर बस ये आ गया सर नंबर, बस 1 मिनट सर, ये ठीक। कितना आता है आंसर इसका, ठीक सर 1260 है जी, आपने बताया ये आंसर, हमने लिख दिया इसको, तो मैं आपको ना दोबारा वो भेजता हूँ, जी सर, खुदा जी सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाफिज।